समाज के समाज रत्न किशोर सेठ बावड़ा वाले का सौंदेश शहर में आगमन पर सुक्रिया गुजराती समाज के युवा समाज सेवी दीपक झिंझुवाड़िया इनके निवास स्थान पर समाज बांधव तथा स्थानीय संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने समाज बांधव व्यवसाय में निपुण हैं तथा हमेशा ही लोगों के सुख दुख में साथ में रहकर उनके जीवन में मिठास भरते हैं, परंतु आज भी हमारा समाज उच्च शिक्षा में आंशिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरा समस्त सुखड़िया समाज बंधुओं से निवेदन रहेगा कि वे अपने बच्चों को इस बदलते स्पर्धात्मक समय में उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। किशोर सेठ ने कहा कि पहले जमाने में हम सुखड़िया भाइयों ने अपने घरेलू व्यवसाय के कारण पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रहती थी। इसी कारण कोई वेल क्वालिफाइड तथा नौकरी में हमारे समाज की उपस्थिति नगण्य होती थी, पर अब बदलते वक्त में व्यवसाय प्रतिद्वंदित्व ऑनलाइन शॉपिंग आदि से व्यवसाय में पहले जैसी बात नहीं रही है। इसलिए पालकों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसे विचार व्यक्त किए। साथ ही समाज भाई सामाजिक व पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेकर अपना योगदान देना चाहिए, ऐसे विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात उन्होंने श्रद्धा स्थान आदासा श्री शमी विघ्नेश्वर गणपति बापा के चरणों में पूजा अर्चना आरती व नमन कर सुखड़िया समाज हमेशा एकजुट रहकर सामाजिक कार्य करे, ऐसी प्रार्थना की। इस अवसर पर झिंझुवाड़िया परिवार सावने की ओर से गुजरात राज्य से आए सुखड़िया समाज के समाज रत्न किशोर भाई सेठ बावड़ा वाले महेंद्र भाई बजानिया मांडवी हरकानंद भाई वासरानी माधापर अमरीश भाई रूपड़ा अंजार व सुशील भाई खिलोसिया धुलिया व अन्य मान्यवरों का पुष्पगुच्छ व शाल श्रीफल देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर दीपक झिंझुवाड़िया जितेंद्र खिलोसिया अल्पेश झिंझुवाड़िया पीयूष झिंझुवाड़िया पारुल झिंझुवाड़िया नेहा झिंझुवाड़िया आदि उपस्थित थे। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, एटमोस्फियर चेंज हो रहा है, उसी वजह से तुम भी तुम्हारे बिजनेस में हाईलाइट करो, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है लड़के का लड़की का जो एजुकेशन मस्ट भी, तो मैं एजुकेशन ट्रस्ट भी चलाता हूँ, तो किसी को एजुकेशन के लिए कुछ भी फंड चाहिए तो मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में अहमदाबाद में हमारा पूरा ये ट्रस्ट चल रहा है, और जो लोग लोअर हो गए हैं सबको भगवान सुखी रखे, ऐसी मेरी भावना है। लेकिन समाज में कोई वो नहीं है, इसलिए किसी को भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े, यानी कि मेडिकल आप लोग तो जानते हो कि कैसा अभी मेडिकल का चल रहा है, बहुत दवाएं महंगी हो रही है, ऑपरेशन बहुत महंगे हो रहे हैं। जो भी लोग अहमदाबाद में आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, विदर्भ से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, उसको हम रहने खाने पीने की सब सुविधा देते हैं और ऐसे चलाते हैं, और समाज को जागरूक करना है। समाज को जागरूक करना है, लेकिन अभी देख रहे हैं अपन कि आपका जो समाज है सुखड़िया समाज गुजराती समाज, ये व्यवसाय में ज़्यादा लिप्त है। कहीं एजुकेशन की जैसी आपने बात की तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपके भी समाज में से डॉक्टर इंजीनियर और बड़े पदों पर जाएं? मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है, जो हमारी जनरेशन ये हमारी थी और हमारी जो जनरेशन है आजकल बेस्ट एजुकेशन की तरफ जा रही है, और उसमें एक आईक्यू है, जो हमारा पुराना व्यवसाय हम चलाते थे वैसे लोअर क्लास में चलाते हैं, ये बच्चे जैसे ही एजुकेशन से तैयार हुए हैं तो उन्होंने उनका जो हमारा जो शोरूम है, हमारी जो शॉप है, उन्होंने अधिक तरह से टेक्नोलॉजी से जो चीज़ हम 50 रुपये 100 ग्राम बेचते हैं, ये हमारे लड़के का एजुकेशन और आईक्यू की वजह से उनमें बहुत मुनाफा की तरह ये लोग ये बच्चे की है, और डॉक्टर भी है, LLB की किया है, सब एजुकेशन वाइज हम लोग पहले 0 थे, अभी हम 75% हमारे सब परिवार बच्चे, ऐसा कहेंगे कि पहले हिसाब में पक्के थे, अब हम पढ़ाई में भी पक्के हो रहे हैं। NBCN न्यूज के लिए सावने से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।